अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल मीट करी, जिसके लिए चाहिए होगा ये मीट है लैम मीट, 1.5 kg है और हाफ कप से थोड़ा सा लेस ऑयल है। ये जिंजर और गार्लिक पेस्ट, लहसुन और अदरक पेस्ट 2 टेबल स्पून उनका पेस्ट है। ये मैंने 4 onion लिए हैं मीडियम साइज़ के, और इसको पहले मैंने थोड़ा सा 5-6 spoon ऑयल, टेबल स्पून डालकर ऑयल मैंने इसे पकाया है, ब्राउन किया है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है तो इसको मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैंने आप ब्लेंडर में, ग्राइंडर में, किसी चीज़ में ग्राइंड कर लें। ये टिन वाले टमाटर, क्योंकि हम टिन वाले टमाटर इसलिए यूज़ करते हैं कि इसका कलर अच्छा होता है, जो दूसरे फ्रेश टमाटर होते हैं वो लाइट होता है कलर। तो ये एक टिन होता है 400 ग्राम का, उसमें मैंने आधे से थोड़ा ज़्यादा लिया है, वो ये 225 ग्राम हुआ है। ये मैंने बटर लिया है थोड़ा सा। आगे ये जो सारे इसमें स्पाइस जाएंगे, 1 teaspoon सॉल्ट है, या आप सॉल्ट एंड स्पाइस, मिर्च जो है वो अपनी पसंद का, अपने जो जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। मैंने 1 teaspoon नमक यूज़ किया है सॉल्ट, 1.5 teaspoon मैंने पाकिस्तानी बसार, जो चिली पाउडर है वो यूज़ किया है, मिक्स मिलता है रेडीमेड। और ये घर की जो स्पाइस चिली पाउडर बना हुआ है, ये 1 teaspoon है, हल्दी 1 teaspoon है। ये सारा मिक्स गरम मसाला है, इसमें धनिया है, इसमें मसाला है, और सारे जो इसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ये सारे जो मिक्स मसाला मिलते हैं उसको मैं, जो पूरा साबुत होता है उसको थोड़ा सा तवे पर रख के भून के फिर मैं ग्राइंड करके ये यूज़ करती हूँ। क्योंकि अगर थोड़ी सी मेहनत करें आप तो ये इसका अच्छा टेस्ट होता है। अगर आप पाउडर का डालना चाहें तो रेडीमेड मिलता है तो डाल सकते हैं, पर उसका वो इतना टेस्ट नहीं होता है जो कि अपने घर का भुने हुए पीस कर बनाया जाता है, उसका जितना टेस्ट अच्छा होता है। और ये कसूरी मेथी है तकरीबन 1 टेबल स्पून, 2 सिनेमन स्टिक दालचीनी की, ये 2 छोटी छोटी स्टिक हैं, और तकरीबन 5-6 ग्रीन चिली हैं। और उसके बाद मैं आपको सब बनाऊंगी फिर दिखाऊंगी। ये मैंने इसमें 2 टेबल स्पून बटर डाला है पैन में, और गैस ऑन कर दिया है फुल फ्लेम की, और अब मैं इसमें ये मिर्च डालेंगी। उसको थोड़ा सा हिलाएंगे, और हिलाने के बाद इसमें जो ये 2 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है वो डालेंगे। फुल फ्लेम में थोड़ा सा इसको पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट। ये मैंने मोटी मोटी बोटियाँ रखी हैं, आप अगर छोटी करना चाहें स्मॉल तो वो भी कर सकते हैं। ये मैंने 4 to 5 minutes के लिए मैंने इसे पकाया है, और इस मीट ने अपना पानी, मैंने पानी बिल्कुल नहीं इसमें डाला है, जिस मीट ने अपना पानी इसमें छोड़ा है, और ये जो लहसुन और गार्लिक इसमें डाला था उसको पकाने के लिए 5 मिनट के लिए, और मीट को थोड़ा सा पक जाए ऊपर से, तो मैंने 5 मिनट के लिए इसको पकाया था। अभी इसमें ये पानी छोड़ दिया है, और अब मैं इसको लो हीट पर, बिल्कुल लो हीट पर रख के इसको यहाँ से दाम दूँगी, और उसके बाद ये तकरीबन 20 से 25 मिनट मैं देखूँगी कि कितने देर में गलता है। अपने अपने मीट पर होती है, कोई 20 मिनट में गलता है, कोई 25, और कोई हाफ एन आवर में गलता है। तो ये जब गल जाएगा 20 से 25 मिनट इसको लगेंगे, तो उसके बाद फिर मैं आगे इसको बना कर आपको बताऊँगी कैसे बनाते हैं। अब इस मीट को तकरीबन 25 मिनट हो गए, और मैंने इसको 25 मिनट तक लो हीट पर रखा, और हाफ मीट ये अभी गल गया है, बाकी अभी मैं इस दूसरे पैन में ऑयल डालती हूँ और इसको बंद कर देती हूँ। इस ऑयल डालती हूँ जो आपको ऑयल है, और
और जब गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं ये ओनियन डालूँगी। ये जो मैंने ग्राइंड किए थे ओनियन, इसमें पहले मैंने ऑयल डाला था थोड़ा सा, 4-5 टेबल स्पून ऑयल, और इसमें ये मैंने ओनियन डाले थे और मैं बताना भूल गई थी, इसमें मैंने एक होती है मोटी वाली मिर्च होती है, येलो होती है, ग्रीन होती है, एक बड़ी होती है रेड ग्रीन पेपर, एक उससे थोड़ी छोटी होती है मीडियम साइज़ की, वो एक मैंने इसमें ऑरेंज वाली डाली थी, येलो वाली, जब मैंने प्याज को ग्राइंड किया था तो उसमें मैंने ये डाला था। पहले मैंने जब प्याज को ब्राउन किया था उसमें मैं वो डाली थी, और थोड़ी सी देर से 2 मिनट के लिए उसे साथ प्याज में पकाया था, और उसके बाद मैंने उसके साथ डालकर प्याज के साथ उसको ग्राइंड कर लिया था। ये थोड़ा सा पकाएंगे, ये पका हुआ है ऑलरेडी, ये पूरे फुल गैस पर मैंने इसे रखा हुआ है, और अब इसमें ये मैं मीट डालूंगी। ये थोड़ा पानी भी है इसमें, हाँ क्योंकि अभी थोड़ा मीट को और पकाना है इसमें। और इसमें जो मैंने ये टमाटर, ये मैं ये भी ग्राइंड किए थे, टमाटर को मैंने कच्चा ग्राइंड किया था, ऐसे डब्बे से निकल कर मैंने पेन से निकल कर ग्राइंड कर लिया था, और जो ये है प्याज है वो उसको मैंने ब्राउन किया था, क्योंकि कच्चे प्याज से तो टेस्ट फिर वो मीठा मीठा हो जाएगा, तो प्याज को पहले ग्राइंड करना पड़ता है। मैं फुल आग पर इसकी थोड़ा सा पकाऊँगी, ये जो दूसरे पान में थोड़ा इसके जूस था उसमें थोड़ा पानी डालकर मैंने इसे इसमें डाल दिया है। ये मैं 2-3 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी, और उसके बाद इसको फिर स्लो हीट पर थोड़ी देर के रख के तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मैं स्लो हीट पर रखूंगी, और ये सारा इसमें जो मसाला है प्याज और टमाटर वो इसमें पकेगा भी और गलेगा भी, तो क्योंकि मीट को गलने में टाइम लगता है, तो अगर सही सॉफ्ट नाइस मीट बनाना हो तो फिर थोड़ा ज़्यादा गलाना पड़ता है, क्योंकि मीट अगर गलाना हो तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। आपने देखा होगा कि ये रेस्टोरेंट होटल में जो मीट बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा गला होता है, ये उसका टेस्ट अच्छा होता है। ये इसको मैं अभी रखूँगी स्लो गैस पर, लो हीट पर रखूँगी, इसको बंद कर दूँगी, और 10 मिनट तक मैं इसको ये इसमें पकेगा और मज़ीद गलेगा, और उसके बाद मैं सारी स्पाइस वगैरह डालूँगी, और थोड़ा बटर जब रखा है बटर वो भी डालूँगी, तो मैं फिर आपको बताऊँगी दिखाऊँगी। अब ये 10 मिनट हो गए इसको, अब इसको 10 मिनट हो गए, तो मैंने इसको अभी हाई गैस पर रख दिया है, और इसमें ये बटर डालूंगी, तो ये थोड़ा सा बटर रखा हुआ था, बटर इसलिए हम थोड़ा डालते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये बटर ज़्यादा डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बुटरी बुटरी हो जाएगा, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होगा, तो ऑयल डालेंगे और बटर दोनों, तो फिर इसमें वो अच्छा बनेगा, टेस्ट अच्छा होगा। फुल गैस पर इसे करेंगे 2-3 मिनट के लिए, तो ये बटर जब ये सारा मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें स्पाइस डालेंगे। ये दो जो दालचीनी सिनेमन स्टिक हैं वो भी हम डाल देंगे इसमें, हम मोटी वाली इलायची, बड़ी इलायची होती है वो भी
मैं डालती हूँ, अभी मुझे मिल नहीं रही थी कि मैंने रख दिया, तो फिर अगर आप डालना चाहें तो डाल सकती हूँ। उसमें टेस्ट अच्छा, काफ़ी अच्छा आता है, मोटी वाली जो काली ब्लैक इलायची होती है। तो अभी वो मुझे नहीं मिल रही थी, मैं नहीं डाल रही हूँ, बट आप उसमें डाल रही। ये आप जो टीस्पून मैंने सॉल्ट रखा था ये डाल रही हूँ, मैंने हाफ टेबल स्पून जो लाल मिर्च मैंने आपको बताई थी वो पाकिस्तानी बसार, वो ये घर की बनी हुई जो स्पाइस है, रेड चिली पाउडर, सारी जो मसाले वगैरह मिक्स करके बनाते हैं घर में वो है, और ये सॉरी ये हल्दी पाउडर है, अब जो भी है इसका बटर और ऑयल निकल रहा है। तकरीबन मैं 10 मिनट इसको भूनूंगी, और उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैं स्लो हीट पर रखूंगी। तो अभी मैं 10 मिनट के लिए भूनने के बाद जब 10 मिनट भून लूंगी तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। अब इसको 10 मिनट हो गए हैं भूनते हुए, 10 मिनट मैंने भून लिया है। इसका सारा जो इसमें पानी था, थोड़ा सारी चीज़ों में पानी होता है, प्याज और उसमें वो हो गया है, ड्राई हो गया है और ये भुन गया है। और इसमें अब मैं ये ग्रीन चिली जो डाल दी, अब इसमें मैं ग्रीन चिली डाल दी है। और थोड़ी देर के लिए मैं इसे 2-3 मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए भूनूंगी। तो ये अब हो गया है, और इसमें अभी मैं ये बॉईल किया हॉट वाटर डालूंगी। इसको अगर आप पतली ग्रेवी भी बनाना चाहें, बहुत पतली, तो वो भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी और डालूंगी, ये मैं हाफ हाफ कप और वाटर डालूंगी, और ये अभी स्लो गैस कर दूंगी, और इसको मैं मीडियम बल्कि स्लो हीट पर तकरीबन 10 मिनट के लिए, 10 और 15 मिनट के लिए मैं इसको ढक्कन रख के इसको पकने दूंगी। ये पूरा पके, इसको इसमें पकेगा, और 10 से 15 मिनट के लिए ये कुक हो जाएगा और टेनर हो जाएगा मीट। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि वो जो गरम मसाला जो रह गया है उसमें डालना है। अब इस मीट को तकरीबन 15 मिनट हो गए, मैंने इसको बिल्कुल स्लो गैस पर रखकर बिल्कुल लो हीट करके ऊपर से मैंने इसको ढक्कन बंद कर दिया था। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल ये रेडी हो गया है, और इसका ऑयल अलहदा हो गया है। इसमें अब मैं ये गरम मसाला, ये पूरा मैंने गरम मसाला, धनिया और ये सारा धनिया के साथ गरम मसाला, और पूरे जो दालचीनी, लौंग, ब्लैक पेपर, वो सारा डाल के मैंने इसको पीसा हुआ था। और अभी ये मैं इसमें कसूरी मेथी भी डाल रही हूँ। 1 मिनट के लिए मैं इसको गैस पर थोड़ा सा पकाऊंगी। थोड़ा सा पूरा फुल फ्लेम पर, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये जैसे होटल का होता है, टेक अवे का होता है, जो बाहर बनाते हैं खाना मीट, बिल्कुल उसी तरह है ये, बिल्कुल उसी तरह पूरा इसका जो सॉस है ये बिल्कुल स्मूथ और नाइस। और ये जो शादियों में मीट दिया जाता है बिल्कुल उससे मिलता जुलता है टेस्ट वाइज भी और रंगत में, आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल गल चुका है, मैं अभी आपको डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ।
ये अब बन के रेडी हो गया है। मैंने इसे डिश ऑफ कर दिया है और इसके ऊपर आप ये ग्रीन कोरिएंडर जो धनिया है वो भी डाल सकते हैं और इसको ज़रूर बनाना, ये बहुत अच्छा बनता है। ये मीट भी बहुत टेंडर हो गया है, बहुत गल गया है और ये बहुत बिल्कुल जैसे शादी में सालन जो मीट करी ऑर्डर करते हैं या रेस्टोरेंट में बनाते हैं उसी स्टाइल का होता है। आप इसको ज़रूर बनाना, मुझे दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।